गुड मॉर्निंग बच्चों, आपको पता है मैंने फर्स्ट चैप्टर सूरदास आपको पूरा करा दिया है, लेकिन वीडियो के माध्यम से दो पद रह गए हैं, उन पदों को आप लोग देख लीजिए। तीसरा पद की व्याख्या मैं कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। हमरो हर हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस दिस, कान कान जकरी सुनत जोग लागत है, ऐसो जो करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ह ले सौंपो जिनके मन चकरी। जैसा कि सूरदासी जन्मांत होने के बाद भी इतने अच्छे पदों की रचना की, इतना अच्छा गाना पदों को गाया, ऐसा लगता था कि मानो आज हम लोग पढ़ते हैं सूरदास जी के जो पद सुरसागर नामक ग्रंथ से लिखा गया है, सूरदास जी ने लिखा है सुरसागर, उसी से कुछ पद आपके कोर्स में उद्धृत हैं। ऐसा लगता है जैसे कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो हमारे आंखों के सामने चल रही हैं, चलायमान हो रही हैं, दृश्यमान हो रही हैं, हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट में उद्धव और गोपियों का संवाद है, पिछले पद में उद्धव गोपियों को विरह वेदना से दूर करने के लिए कुछ उपदेश देते हैं। तीसरे पद में गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम से, एकनिष्ठ प्रेम में विश्वास प्रकट करती हैं। कैसा विश्वास? दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। वे कहती हैं, क्या कहती है? श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की कभी न छूटने वाली लकड़ी के समान है, हमने उनको अपने मन वचन और कर्म से उस नंद के नंदन को अर्थात कृष्ण को अपने हृदय में कस कर पकड़ लिया है, अर्थात हम तो कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त रहें, हम सोते जागते और स्वप्न में भी दिन रात अर्थात हर समय कृष्ण कृष्ण रटती रहेंगी। हे मधुप, हे उद्धव, मधुप किसके लिए आया है? विशेषण उद्धव के लिए। तुम्हारा योग उपदेश अर्थात योग साधना तो कड़वी ककड़ी के समान लगता है, जिस निर्गुण के विषय में हमने इससे पूर्व सुना नहीं, उसको देखा नहीं, उसके साथ कोई आचरण नहीं किया, उसी पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु को हमारे लिए ले आए। सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं कहती हैं कि वह निर्गुण की योग साधना आप उन्हें ना सिखाएं, जिनके मन चकरी के समान घूमने वाले हैं, आप उस योग साधना को उनके लिए उनके पास जाकर सिखाएं। अर्थात जो लोग जिनका मन मस्तिष्क अस्थिर है,
शरीर की भांति एक जगह से दूसरी जगह अन्यत्र घूमता है, आप उस योग साधना को उसके पास ले जाइए, क्योंकि हम तो कृष्ण के प्रेम में बढ़ चुके हैं, अब हमें और कोई रास्ता नहीं सूझता। हम गोपियों का प्रेम तो कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ है, हमारा तो उनमें दृढ़ विश्वास है। बच्चों, इससे कुछ प्रश्न है आप लोग लिख लीजिए। गोपियों ने अपनी तुलना हारिल पक्षी से क्यों की? गोपियों ने अपनी तुलना हारिल पक्षी से क्यों की? दूसरा, नंद नंदनपुर पकड़ी से क्या तात्पर्य है? तीसरा, गोपियों को योग साधना कैसी लगती है और क्यों? चौथा प्रश्न, नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पांचवा प्रश्न, गोपियों ने मन चकरी किसे कहा है? गोपियों ने मन चकरी किसे कहा है? अगला प्रश्न, हमरो हरि हारिल तथा जो करुई ककरी में कौन सा अलंकार है? हमरे हरि हारिल तथा जो करुई ककरी में कौन सा अलंकार है? अगले वीडियो में बच्चों चौथा बताएंगे। दैट्स ऑल।